गाइस देख सकते हैं ब्लॉग, इधर उधर से उनके में अच्छे अच्छे कलेक्शन है, बहुत सारा है। एक तो बोले ना, एक तो लिया है कैप, सिम्बा को कैप पहनना बहुत पसंद है, लूज हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने मजबूत वाला लिया है 2400 का, सिम्बा के पापा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सबाना ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ, मैं रेडी देख सकते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले बता दी तो सब्सक्राइब कर लो। और आज मेरा आसनसोल में दूसरा तीसरा दिन हो गया है, तीसरा दिन बोल सकते हो या दूसरा दिन बोल सकते हो। और मैं निकल रही हूँ काम से आज, सिम्बा का जो हाथ का जो बलिया होता है तो वो वाला बहुत ख़राब हो गया, हाथ पूरा खाली है, तो वो लेने जा रही हूँ मार्केट में। चलिए देखती हूँ आज मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे पता नहीं मेरे को कुछ भी, तो बने रहे। सिम्बा रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो रास्ते में चलते चलते बात करते हैं। चलिए पहले निकलते हैं, ठीक है। चलो मेरे को नहीं पता तुमको ठंडा लगेगा कि क्या लगेगा, हम कैसे बोले, तो चलिए चलते हैं निकलते हैं। और बहुत ज़्यादा रो रहा है सिम्बा, रुमाल रुमाल ले लिए ना, चलिए चलते हैं। टोटो खड़ा है, टोटो से ही जा रहे हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं और सिम्बा को देख सकते हैं, सारे शादी वादी हो रहा है और चंदा मामा देखा रहा है सबको, अभी भी जहाँ चांद देख लेता है सबको परेशान कर देता है, मामा मामा कर। जल्दी जल्दी रेडी हुई मैं, जल्दी जल्दी निकल गए, शाम हो रही है तो ज़रूरी काम है। एक दिन मैं वहाँ भी गई थी कोलकाता में इस काम के लिए, पर मेरा एक काम हुआ नहीं था, पर देखती मैं आज हो जाएगी। बाबू का हाथ खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चलिए अगर हो जाए मिलता है तो आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या ले रही हूँ नहीं ले रही, ठीक है, बने रहे मेरे साथ। सिम्बा मामा करता रहेगा, चलिए। तो गाइस मैं आसनसोल मार्केट यानी कि हाटी रोड पे हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं कसाई मोहल्ला जाएंगे। कसाई मोहल्ला से हम सामान लिए थे तो वही सोनार के पास जाते हैं, तो वहीं जाएंगे, वहाँ का चीज़ वहाँ सही लेगा। बाबू का चंदा मामा भी वीडियो में आ जा रहा है, तो कब से चंदा मामा को मामा कर जा रहे हैं। चलिए बने रहिए, फिर हम जाम में फंसे हैं। मोड़ पहुंच चुकी हूँ, देख सकते हैं। दादा मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं क्योंकि मुझे इधर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मैं आई हूँ काम से तो काम करके फटाक से निकलूँ, ये सुनार के आई हूँ, तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहुंच चुकी हूँ आसनसोल मार्केट हाटन रोड और अभी सिम्बा को मैं गोद से उठा रही हूँ, पैदल चला रही हूँ, देख सकते हैं। यहाँ बहुत जाम लगता है, इसलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ मैं, फिर भी जितना हो सकेगा मैं करूँगी, ठीक है। चलिए छोड़ दो बेटा, गाड़ी नहीं पकड़ो, चलिए चलते हैं। और यहाँ कुछ का मैं हमेशा की तरह भीड़, देखते क्या लूँगी नहीं लूँगी अभी कुछ पता नहीं, सुनार वाला काम हुआ, हाथ पकड़ो ना, छोड़ दे रहे हैं, बोले रुको रुको सब नाम छोड़ देती है बाबू को ऐसे ही। चलिए बने रही हूँ दिखाते हैं, फिर बोलेगी काट दे जीबो भाई क्या करेगा। हाँ उधर सामने कर रहे मार्केट का, close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.
ये गोदान बोले गाइस देख सकते हैं ब्लाउज 150 रुपए में अच्छे अच्छे कलेक्शन है यहाँ पे बहुत सारा है। एक तो बोले ना एक तो मैं ली हूँ एक ब्लाउज इसमें का मैं ये वाला नहीं काम वाला नहीं दिखाऊंगी मैं घर जाके ठीक है। बहुत सारे कलेक्शन है यहाँ पे प्लाजो वगैरह भी पता नहीं ये कितने का है पर ये 150 का सब उधर वर्क वाला है उतना अच्छा नहीं वर्क वाला ये सब ठीक कर रहा सिंपल चलिए थोड़ी देर में बहुत सुंदर सुंदर है। हम लोग पहुँच गए यहाँ अभी ऑटो पकड़ना है ऑटो पकड़ना है बहुत ज़्यादा भीड़ है और सिम्बा को लेकर मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही क्योंकि सिम्बा अभी भी गोद में टंगा है देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दिमाग खराब कर तो आज मैं फिर से ऑटो बैठ गई हूँ बहुत थक गई और देख सकते हैं सिम्बा ने नया कैब खरीदा है और मानक भी खरीदा दिखाती हूँ मैं अभी तो क्या बोलते हैं अंधेरा हो जा रहा है मैं ऑटो में बैठ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बाबू को लेके शॉपिंग नहीं कर पा रही मैं इसलिए रिटर्न जा रही हूँ कुछ नहीं कर पाई और ये गोद में किसी का जाता नहीं है भी गोद में नहीं जाता है बाहर अगर वो निकलता है तो वैसे अभी मैं ऑटो से उतरी उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं पानीपुरी यानी कि फुचका खाने गोलगप्पे पानीपुरी फुचका कुछ भी बोल सकते हैं हमारे कोलकाता में फुचका बोलते हैं यहाँ गुपचुप बोलते हैं आसनसोल में और पता नहीं सब कुछ बोलते हैं पानीपुरी सब जगह चलता है तो थक गई मैं ये वाला नस दर्द हो रहा देखिए सिम्बा भी रो रहा है ब्लॉगिंग करने बिल्कुल भी नहीं दिया मार्केट में चलो फिर भाई पानीपुरी का थैला है ये और अभी हम लोग खाएंगे अभी भीड़ है दुकान में ख़त्म होने दी घर के पास ही है ऑटो स्टैंड में उतर गया पैदल जाना पड़ेगा घर तो बने रहे मेरे साथ और छतरी भी लगा है देख सकते ऑटो स्टैंड है ये हमारा यहाँ का ऑटो स्टैंड है ये हार्डवेयर का दुकान है बस यहीं पे उतरे अभी सिम्बा को दिखाती हूँ मैं कैसे कर रहा देखिए नया टोपी लगा के बहुत ओवर स्मार्ट बन गया तो मैं गोदी ले लेती हूँ थोड़ी देर सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर आप लोग देख सकते हैं और सिम्बा सो गया है आते ही सिम्बा सो रहा है और मैं बस बैठी हूँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज मुझे तो इसलिए आवाज़ भी नहीं निकल रही और क्या क्या लाई हूँ मैं सामान दिखा देती हूँ मैं नहीं दिखाई मार्केट में ज़्यादा क्योंकि सिम्बा पूरा टाइम मेरे गोद में ही था और देख सकते हैं गोद में ले लेकर के हाथ सूज गया मेरा पूरा नस देख सकते हैं हाथ का हरारत ज़्यादा दिखने लगा है तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको क्या क्या लाई हूँ किस किस का क्या है मैं सब कुछ आपको बताऊँ डिटेल्स में तो बने रहिए मेरे साथ और क्या कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो स्किप मत करना बने रहना जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना याद से प्लीज़ गाइस ओके चलिए रेडी चलिए फटाक से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है तो फर्स्ट मैं दिखाती हूँ मैं कैप ये सिम्बा के लिए मैंने लिया है कैप सिम्बा को कैप पहनना बहुत पसंद है और इसमें से है ये एक ब्लू कलर का सिर्फ मानस का है बाकी तीन कैप है सिम्बा का सो मानस को भी पसंद है कैप पहनना मुझे पता चला तो मैं उसके लिए भी एक ले ली तो हो गया ये ठीक है मानस मतलब मेरा छोटा भाई का बेटा ठीक है जिसके बर्थडे में मैं आई हूँ और ये है शू जो दिखा देती हूँ मैं अभी आपको वहाँ कोई आदमी सो रहा है सोने का टाइम हो गया तो दिखा देती हूँ ये शू सिम्बा का नहीं है ये शू है मेरे भाई के लड़का का मानस का ठीक है जिसके जन्मदिन पे मैं आई हूँ आपको बता देती हूँ ये शू उसको बहुत पसंद है क्योंकि सिम्बा पहनता है तो उसको अच्छा लगता है तो उसके पास ऐसा शू नहीं था तो आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही सुंदर कलर है देख सकते हैं ये आया है 250 में सॉरी कैप का दाम मैंने ही बताई कैप का दाम है एक कैप का पड़ा है 80 रुपीज़ ठीक है और इसका 250 नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट हमारा है देखिए ना कैसा कैसा कैरी बैग में दिया दिखा देती हूँ मैं ब्लाउज है ब्लाउज जो कि आया है 150 रुपये में 150 में सस्ता है ना बहुत अच्छा है फैब्रिक भी सही है मस्त लग रहा है ब्लैक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये आया 150 का झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सेल पे लगा था तो ये ली हूँ मैं तो ये है 150 का जैसा कि मैंने आपको बताया 150 का ये सेल में था बहुत सारा ब्लाउज था बहुत सारा तो दो ली हूँ मैं दो मेरा नहीं है सेम ही है दिखा देती हूँ मैं नेक्स्ट क्या है सोएब ये है नेक्स्ट देख सकते हैं ना कैरी बैग क्या बोले ऐसे ही देता है नेक्स्ट है ये चप्पल जो घर में पहनने का होता है रफ यूज़ के लिए
ये है वही मेरी जो बहन आई है सूरत से, उसका ही लड़का का है, छोटा वाला का, सोएब का, तो अच्छा है। ये आया है 200 में ना, 200 में आया है, तो देख सकते हैं मैं सब गिफ्ट को सेट करी, मतलब सामान को, गिफ्ट नहीं है। और क्या है मैं दिखा देती हूँ, और बचा है ये है, ये है चांदी का चैन है जो बहुत मोटा है। ये चांदी का चैन है, यही मेरी बहन जो है, मैं आज दिखा रही हूँ शॉपिंग का ब्लॉग, जो जो हम शॉपिंग किए हैं, सो इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में बता रही हूँ। ये चैन है जो जिसका चप्पल है ना सोइब का, उसी का चैन भी, वो चैन पहनने के लिए जिद कर रहा था तो मेरी बहन ले ली, तो कैसा है कमेंट करके बताना। ये शायद 2000 कितना का है ना, ये 2400 का है, 2400, देख सकते हैं बहुत ही भारी वेट है, आपको लग रहा होगा पतला छोटा लेकिन बहुत मोटा है, तो इसको मैं बाद में सेट करूँगी, तो इधर सेट करती हूँ लास्ट में। ये खोल के दिखाना, तो खोल दे रहा है, तो दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट क्या है। मेन इम्पॉर्टेंट जो बहुत दिन से मैं लेने मांग रही थी सिम्बा के लिए, तो ये है नेक्स्ट और लास्ट। ये भी आया है 2400 का है, वो चेन भी 2400 का है, ये भी 2400 का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका मतलब वजन है, वो चेन का समझ जाइए कितना लंबा है, ये छोटा सा है। ये भी आया 2400 का है पूरा, ठीक है, और बहुत ही वेट और ठोस माल है, तो मैं ले ली इसलिए क्योंकि सिम्बा हमेशा पहनता है ना तो लूज़ हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने मजबूत वाला लिया है 2400 का। सिम्बा के पापा भी बोल रहे थे कि अच्छा वाला ले लेना एक बार, तो मैंने आज लिया है। तो ये हमारा शॉपिंग है आज का, देख सकते हैं कैसा लगा है कमेंट करके बताना। 2400 और प्राइस मैंने सबका बताया है, और सब मैंने आसनसोल मार्केट से लिया है, और ये चांदी का जो भी सामान है ये मैं कसाई माला मोड़ से ली हूँ, जहाँ से हम लोग सोनारकन से लेते हैं। सो गाइस कैसा लगा है कमेंट करना, ठीक है। तो आपने देखा मैंने सारा सामान दिखा दिया, अब जैसे जैसे जो भी शॉपिंग होगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, और बना नहीं पाई थी ब्लॉग दुकान पे, इसलिए शॉप पे नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने अभी आपको अलग से बना के दिखाया है। कैसा लगा है कमेंट करना, और अगर कुछ बुरा लगा तो भी बोलना, अच्छा लगा तो भी बोलना। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन तो ज़रूर दबाना, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टाटा गुड नाइट, लव यू ऑल, अपने अपने घर में सब सुरक्षित रहना, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।